अब मैं ना ये मेरे एक भाई हैं कैक्स चौधरी, ठीक है ना, उनकी और माद की कहने पे मैं 0W40 0W20 मेटल वाले इससे लगा। पतला है ओरिजिनल दिखा भी दें और इसकी प्राइस भी बता दें। ओरिजिनल इसका 3600 का। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 128 नाइस। 2 हफ्ते में इतना चांस था मेरे पास, कोई भी कुछ काम नहीं था, घर खड़ी रही है गाड़ी, ये देख रहे हो ना, ये समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, देख सकते हैं ऑयल चेंज पे भाई ने कितना खर्चा किया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? अब नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट ऑयल चेंज करवाना है। यस, ऑयल चेंज करवाना है। हमने कहा था कि ऑयल चेंज करवाएंगे, तो अभी हम ऑयल चेंज कर ऑयल चेंज तो आप कौन सा ऑयल डलवाना चाहिए? वही लिक्विड मोली जो डलवाया था पहले, लिक्विड मोली, लेकिन अब जीरो वाला डलवाएंगे ना, 0W वाला। मैं तो कहता हूँ कैल्टेक्स डलवा ले। नहीं नहीं नहीं, कैल्टेक्स वाला कोई इम्पोर्टेड डलवाएंगे, ठीक है। अभी जी हमारा ऑयल चेंज होने वाला है, ठीक है। गाड़ी की जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक है, जैसे इमाद ने बता दी है। तो अभी ये पर लूप वाले हैं, ठीक है, इधर से हमने ऑयल मैंने पिछली तो अभी इधर से चेंज करवाया था, अभी फिर चेंज करवाना। अभी आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी थोड़ी सी चेंज होगी, हाँ, हल्के पांव से चलाएं, सर चलाएं, तो वो क्योंकि लर्निंग करी होती है। अभी आप जब लेकर जाएंगे ना बैठ, तो वो लर्निंग करेगी, सब चीज़ों को देखेगी, शायद इनको झटके भी हो। झटके तो वैसे ही मारती है जी, बस आप देखेंगे। ये मात का डॉग है, अच्छा नहीं है डॉग। तो आप देखेंगे कोई चेक इंजन लाइट वगैरह ऑन ना हो। हाँ, ऑन हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तो मैंने पकड़ लेना है। हाँ। सही है, ठीक है। तो ये हमने पहले ऑयल डाला था, जो मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम भी यही डाला था, पहले भी यही डाला था, सेकंड टाइम भी। तो ये भाई जो मेरे हैं, ये कहते हैं कि जी आप लोकल डलवाएं। मैंने कहा नहीं यार, मैं इसी से डलवाना है, लेकिन इसका ये सीन होता है कि 5W30 जो है ना, ये सेकंड ऑप्शन है, ऐसे ही जी जी, ये विड्स के लिए सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद जो आता है वो 10W30 होते हैं, वो बस लास्ट ऑप्शन है विड्स के लिए। तो अब मैं ना ये मेरे एक भाई हैं कैक्स चौधरी, ठीक है ना, उनकी और माद की कहने पे मैं 0W20 मेटल वाले लगा, इससे पतला ऑयल है। तो देखते हैं वो, मुझे खैर ये ऑयल भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कहा यार देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, शायद एवरेज स्मूथ होगी। चलो वो तो देखते हैं ना, अभी होगी कि नहीं, लाइफ भी बढ़ जाएगी इंजन की, ट्रांसमिशन की भी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि हाँ। ट्रांसमिशन कभी इंजन के साथ ही काम होता है, जितना इंजन का काम होता है उतना ट्रांसमिशन का भी होता है, तो ट्रांसमिशन इजी हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, सही है। इतना फिर भी नहीं होता, हाँ। लेकिन लोग काफी ज्यादा जुल्म करते हैं, 20-50 वो सही है, बहुत जुल्म। अभी ऑयल चेंज करवाएं, एयर फिल्टर चेंज करवाएं, और एयर फिल्टर हम देखेंगे, ऑयल फिल्टर तो चेंज करना ही कराना है, सही, चेंज कराना है। वो ये ठीक है, सही हो गया, सही है। वो इसके अभी आपने 0W20 में शिफ्ट करना है, हाँ 0W20 में क्या बात है, तुमने कहा था ना कि डलते हैं निशान, ये मैंने लास्ट टाइम इसका वो किया है, तो वाकई डलते हैं, फिर मैंने साफ भी नहीं किया। ये जो रस्ट है, ये किस चीज़ की, ये रस्ट है क्या है? चलो ये इसकी अगली दफ़ा वो ड्राई बैटरी डलवा लेंगे। अच्छा ये इसका है जी एयर फिल्टर, ठीक है, चेंज ठीक हो गया, ये चेंज हो गया, चेंज अगर ओरिजिनल इनके पास पूछने पड़ा हुआ है कितने का है, ठीक है, इतना महंगा ना हुआ तो फिर वो अच्छा सही है, और चेंज करवा लो, वो ज़्यादा चलते हैं, ये तकरीबन समझिए कि 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा हम चलाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिनल है तो वो 25-30,000 भी चल सकते हैं। अच्छा ये देख सकते हैं यहाँ 50,000 लिखा हुआ है, किसका, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर और ऑयल का 15,000, पाकिस्तान में आपको पता है, हाँ करवा लेना चाहिए, ठीक है। एयर फिल्टर जो आपने लास्ट टाइम दिया था वो वाला नहीं देना, ये वाला, और कोई है तो बताएं, ठीक हो गया, 1 लीटर वाले, तुम कहते हो 4 लीटर वाले डलो, सही है ना, गाड़ी में क्वांटिटी जो 3 लीटर ही है, हाँ 3 लीटर पूरा हो जाएगा बिल्कुल, ऐसे ही पिछली तो यही किया था,
ये जी इस तो भैया वाला ऑयल हम डालने लगे 0W30। एयर फिल्टर आप लोगों के पास ओरिजिनल है इसका? ऑयल फिल्टर ओरिजिनल दिखा भी दें और इसकी प्राइस भी बता दें। ओरिजिनल इसका 3600 का। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। 3600 का? 3600 क्या कहते हो? लेक्सस क्या कहते हैं व्हाट्सएप वर्थ इट और नॉट? ये आया भी नया स्टोर पे पहले वो ले लो पहले दूसरे पेपर होते हैं गोल्डन पेपर। ठीक है इसकी प्राइस भी इसलिए ज़्यादा होती है। प्राइस ज़्यादा है उसमें चलता है 15-20,000 किलोमीटर ये देखिए भैया उसमें आप ये इस वजह से सही है। फिर वो येलो पेपर वाले थोड़े से प्राइस में कम थे लेकिन मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं। फिर बस ठीक है करा ले ठीक हो ये ज़्यादा चल रहा है और अच्छा भी है फ्यूल एवरेज इससे सही है। ठीक है चलें ये इसका कर दे फिर। हाँ जी बैठ लगा दें आप गाड़ी टैक्स लगा दें ठीक हो गया सही है। ठीक है चलो तो निकलना अभी सही है भाई हम अब ऑयल चेंज करवाते हैं और मुआद भाई को हम कहते हैं कि अल्लाह हाफिज़ भाई। मुआद भाई अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप ऐसे रुक जाएं कितने की देर लगती है? 10 मिनट लगते हैं 10 मिनट की बात है सही नहीं है। चलिए हम आपको नीचे से गाड़ी की हालत दिखाते हैं कि नीचे से गाड़ी की क्या हालत है। ये साइड जो है ये ट्रांसमिशन है और जी नीचे से गाड़ी की हालत तो अच्छी है गाड़ी की नीचे से हालत तो अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। सस्पेंशन वगैरह भी ठीक ही है कोई मसला वगैरह नहीं है माशाल्लाह। और भाई को बोला है कि लंबा ड्रेन करना है तो लंबा ड्रेन होगा तो कोई मसला नहीं होगा। फिर ये वीडियो किस चीज के लिए बना रहे हैं? ये YouTube पे जाएगी। हाय तो साहब ने काम अच्छा करना है अब आप भी YouTube पे जा रहे हैं और इस पे व्यूज ज्यादा आते हैं। आप लोगों का वैसे भी काम मुझे पसंद है मतलब आपको बोलूं कि लंबा ड्रेन तो बात मानते हैं इस वजह से इधर ही आते हैं। आप सब बेफिक्र हैं तो कहीं और गए थे मैंने उसे बोला नट अभी ना लगाओ कहते नहीं नहीं ठीक है नट लगा दें। मैंने कहा यार अजीब बंदे हम जब इधर काम करने आते हैं तो सबसे पहले मैं ये बोलते हैं कि कस्टमर के पास सुननी है। वेल डन ऑयल अभी ड्रेन हो रहे और एयर फिल्टर इसमें हम जेन्युइन लगा रहे हैं जेन्युइन ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जेन्युइन 50,000 तक चलते हैं लेकिन पाकिस्तान है तो इधर हम समझे कि 25-30,000 तक चलाएंगे इससे ज़्यादा नहीं। ऑयल 15,000 चलता है मैं तो 5,000 चलाता हूँ ये भाई 8,000 चलाते हैं तो बस 8,000 ठीक क्योंकि डलवाते भी एक्सपेंसिव हैं तो उसका 5,000 पे चेंज करना समझे कि फजूल खर्ची है और बस ये सीन है सारे। बाकी इंजन पे आप देख सकते हैं भाई को मैं ख़ुद भी मना करता हूँ कि वॉश के टाइम पे इंजन पे वॉश मत करवाया करें वो उल्टा नुकसान दे गाड़ी के लिए। ये जो आप देख सकते हैं ये ड्राई बैटरी की वजह से आता है सॉरी वेट बैटरी की वजह से आता है जो इसमें अभी है बैटरी इसमें ड्राई बैटरी नहीं लगी हुई। कूलेंट भाई की गाड़ी का लो है लेकिन इसमें हम जेन्युइन कूलेंट डलवाते हैं तो अभी वो रीफिल नहीं करेंगे वो बाद में मेरे पास पड़ा हुआ है मैं भाई के लिए कर भी दूंगा। ये है पहलू पता नहीं भाई यहाँ पे ब्रांडिंग करेंगे या नहीं इनकी मतलब। और भाई ने इस इशू का बताया था ये आप देख रहे हैं ये इस तरह और इस तरह ये मेरे साथ भी सीन हुआ था जब मैंने इस पर ऑयल लगाया था शाइन के लिए कलर इस तरह हो गया था मैट टाइप। भाई अगर पेट्रोल है तो ये उससे साफ़ कर दें पेट्रोल से। ये ऑयल फिल्टर इसके लिए हमने जेन्युइन लिए A6 और जो एयर फिल्टर है वो भी जेन्युइन
ऑयल ये वाला हम इसमें डलवा रहे हैं लिक्विड मोली का, 0W20 API SP ILSAC GF56 है। अच्छा ये डेंट भी दिखाना था लाजमी यार, ये बस ही मैंने करवाना है मेरा, तुम्हारे पास टाइम होता ना तो हम ये यहाँ से रहेंगे तक सुबह था, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ से इतना पेंट होता है। अभी बताऊँ करेंगे, अभी किसी दिन तुम फारिग हो ना, मैंने ये करवाना है पूरा फिक्स, ये भी फिक्स पूरा। स्पॉयलर लेके आना है, वो मैंने मंगवा ली है, वो भी था पता नहीं कौन सी ऑटोजेन से, वो एवं सस्ता था नहीं फाइबर है, वो करवा के ना तो यहाँ लगाएंगे इसका वो वाला, ये भी पेंट करवाएंगे बम्पर भी और अगला बम्पर भी अगले टोयोटा से, तुमने कहा था टोयोटा से करवाना, एक दफा उनसे ले लेंगे ना। टोयोटा का ये है कि बाकी प्राइस का तो चलें फिर भी खैर है शायद कम हो इतनी ज्यादा, गाड़ी रखेंगे गाड़ी वो तो खैर है गाड़ी, ये पिछले दो हफ्ते में इतना चांस था मेरे पास कोई भी कुछ काम नहीं था, घर खड़ी रही है गाड़ी, ये देख रहे हो ना ये समझ रहे हो आप, समझ रहे हो नजर आ रहा है ये गाड़ी खड़ी, उनका ये मसला कि वो गाड़ी ज्यादा टाइम के लिए खड़ी रहती है, काम उनका अच्छा होता है नहीं रखी रखे कोई मसला नहीं। बोलिएगा सर आप हमारी वर्कशॉप में, तुम्हारी वर्कशॉप में नहीं आना, मैंने एक्सयू का हाल देखा है तो अब मैं नहीं आ रहा, एक्सयू का ट्रांसमिशन उड़ती है गाड़ी, ट्रांसमिशन का मैंने काम करवाया ना उस दिन घर में खोला था। अच्छा आपको नहीं बताया था तुमने कि खुद कर रहे हो कुछ ट्रांसमिशन, पूरी वेल बॉडी मैंने खोली थी घर में, सही हालत खराब हो गई थी रात की 3 बजे तक वो सब फिटिंग भी है पैक की है, उसके बाद गियर ऑयल है वो मेरे सर उस तरह से उसको हटाऊ तो गाड़ी कुछ मसले थे हल हो गए थे गियर के, सही है अभी भी गाड़ी उसी तरह ही है फर्क कुछ नहीं है। तुम्हारी एक्सयू मैंने एक दफा खुद आगे चेक करनी है क्या सीन है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने चलाई थी ना मुझे तो बहुत पसंद आई थी उसी तरह ही है, अब उस तरह अब नहीं रिखा समझ गया सही है उसके बाद तो बेचारी का एक्सीडेंट बहुत बड़ा। आपने अगर एक्सयू की स्टोरी सुननी है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो पूरी एपिसोड देख सकते हैं। अभी वो रिपेयर सारी हो चुकी है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि एडिटिंग हो रही है मेरे, अभी दोबारा पेपर है हां क्योंकि काफी दिन से नहीं आई ना वीडियो, सही है। इसके बाद हमने ना अपनी वेड्स वगैरह बेच के ये वाली गाड़ी लेनी है, बलोचिस्तान चलेंगे इंशाल्लाह, सारे उन्होंने यही रखी होती है, जो नए मॉडल पुराने मॉडल पुराने मॉडल बहुत जबरदस्त। मैंने एक दो भाइयों से बात की थी, मैंने इसके रिम चेंज करने, रिम मैं तुम्हें भेजूंगा तस्वीरें, मैं चाहता हूँ वो थोड़ा ग्रे टाइप के डार्क कलर रिम बन जाए, उसमें एक बंदा है नाम उनका मैं भूल गया हूँ क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, थोड़ा नाम भी उन्होंने चेंज करके रखे, उनकी गाड़ी में काफी अच्छे लगे हैं रिम, अच्छी तरह की है वो स्पोर्ट्स टाइप सी लोगों ने दिए, पीछे स्पॉइलर लगाया व्हाइट कलर की है। अच्छा नाम उनका मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा लेकिन वो मैं आपको तस्वीर भेजूंगा, ठीक है। अभी लंबर ड्रेन हो गया, ऑयल सारा निकल गया, बस फिटिंग हो रही है, बोल्ट लगाएंगे और ऑयल फिटिंग का जो कप है वो लगाएंगे, उसके बाद फिर ऑयल डालेंगे, सही होगा। इस बार आप खुद ऑयल डालें, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, किधर है मैं और डालूं ऑयल, बॉय ये देख सकते हैं ऑयल चेंज पे भाई ने कितना खर्चा किया है, लिक्विड मोली का ऑयल टोटल आया है 6150 और पिछली दवा था
5,250 का। 5,200, अच्छा वो तो 530 और इस दफा 6,150, इतना फर्क नहीं है। ये भी इतना महंगा तो नहीं है ना। ये इसमें एक और वजह भी हो सकती है क्योंकि ये मौली जैन है, तो मौली जैन और दूसरा जो इनका आता है उसमें शायद फ़र्क होगा। मैं फिर देखूंगा कि फ़र्क है क्या, उस हिसाब से फिर रेट में भी फ़र्क आता है। तो 3 लीटर इसमें पूरा डाल दिया, आता तो 3 लीटर नहीं है, लेकिन मैं भी अभी खुद भूल गया था बिल्कुल, लेकिन चले खैर है, 3 लीटर भी इतना मसला नहीं है, ठीक होता है। तो इसका ऑयल चेंज हो गया, अभी नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा काम इसका इंशाल्लाह हम करेंगे, गाड़ी भाई की फुल सेट करेंगे ताकि उनको पसंद आए। भाई काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि यार ये मसला है, वो मसला है, ये चीज़ें सेट करनी है, वो करनी है, तो अब हम सब करेंगे उनके लिए, रिम शिम सब चीज़ें A1 होंगी और बस सब कुछ हो गया। ये आप देख सकते हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑयल पड़े हैं, अगर आप लोगों ने चेंज कराना है तो आप इनके पास भी आ सकते हैं। चले फिर इंशाल्लाह आपको, अब हमारा ऑयल चेंज हो गया तो उम्मीद कर रहे हैं, स्कैनिंग भी हमने कर लिया और ऑयल भी चेंज हो गया, उम्मीद है हमारी अब गाड़ी सही चलेगी, अगर नहीं चलेगी तो इस बंदे को हमारे पकड़ लेना सही है। तो अगर आपने अगेन मेरे भाई का चैनल का नाम बताएं, MD कार्स गैराज, ठीक है, आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एनीवे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए साकिब और महल को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज है, इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज है, झूठ की सजा नहीं तो तोहमतें लगाने पे आ ढीले।